गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एस्चुरीज एंड मैंग्रोव्स। हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इस चैप्टर के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो कोरल रीफ रह जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी और साथ में कोरल रीफ्स को डिस्कस करूंगी। जिस जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके और दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए क्या होता है इस्चुरीज। इस्चुरीज वो पॉइंट है जहाँ पे रिवर और सी दोनों मीट कर रहे हैं। मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, जहाँ पे फ्रेश वाटर किसके साथ मीट कर रहा है, ब्रैकिश वाटर के साथ। जहाँ पे फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर आपस में मिल रहे हैं उस मीटिंग पॉइंट को इस्चुरी कहा जाता है। अगेन इस चीज़ को मत सोचिएगा कि ये बहुत छोटा सा मीटिंग पॉइंट है। देखिए बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है एक इस्चुरी के अंदर। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक सी के साथ एक ही नदी मिल रही है, वहाँ पे मल्टीपल रिवर्स मिल सकती हैं एक सी के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस्चुरी इकोसिस्टम। जो ये रिवर्स होती है, जो इस्चुरी होएगी वो तीन तरफ से तो एनक्लोज्ड होएगी और एक तरफ से ये ओपन ओशन के साथ मिल सकेगी। ठीक है, इसको इस्चुरी इकोसिस्टम कहा जाता है। अब ये कैसे होते हैं, जैसे अब देखिए इस्चुरी आर वाटर बॉडीज विद द फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर रिवर मिक्सेस विद सॉल्ट वाटर। ये हमने अभी डिस्कस किया कि जहाँ पे जो फ्रेश वाटर है वो रिवर वाटर के साथ मिल रहा है, किसकी हेल्प से, टाइड की हेल्प से। जो भी टाइड्स आ रही हैं वो क्या कर रही है, जैसे ये आपका पूरा ओशियन है और इस तरफ आपकी रिवर है, ठीक है, ये रिवर भी मिल रही है, साथ में यहाँ से जो ये टाइड्स हैं ये भी इसके साथ मिल रही है, तो ये जो मीटिंग पॉइंट हो गया इसको हमने क्या कह दिया, इस्चुरी। ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, लोअर एंड ऑफ रिवर की तरफ। ऑब्वियसली बात है यहाँ से अगर कोई रिवर निकल रही है तो जो भी उसका ऐसे लोअर एंड होएगा जहाँ पे वो आके मिल रही है उसको हम क्या कह देंगे, इस्चुरी कह देंगे। एक या दो बार पूरे दिन में एक या दो बार सी वाटर से ये वॉश होती है, सी वाटर इससे मिलता है एक या दो बार पूरे दिन के अंदर। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीन तरफ से इनक्लोज्ड आपको दिख रही है और ये एक तरफ से रास्ता ये चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ये जो मीटिंग पॉइंट है ये ओशन से मिल रही है, तो ये आपकी क्या होगी, ये पूरी बड़ी एक क्या होगी, ये इस्चुरी मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में समझ आ गया होगा कि इस्चुरी क्या होता है। अब देखो इस्चुरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेमी इनक्लोज्ड है, मतलब तीन तरफ से इनक्लोज्ड रहता है, कोस्टल पार्ट है, ठीक है, एक से ज़्यादा रिवर भी इसके अंदर फ्लो कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, ओपन सी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। सैलिनिटी रेंज वैरी करती है 0 से 35 PPT के अंदर। मतलब क्या हो गया इसका, कि जो इस्चुरी की जो सैलिनिटी है हो सकता है वो 0 हो सकता है वो 35, क्योंकि देखो दो तरह का पानी मिल रहा है, 0 के तो बहुत कम चांसेस होते हैं और 35 के भी बहुत कम चांसेस होते हैं, इसके बीच में वैरी करता रहता है, क्योंकि एक तरफ से आपका फ्रेश वाटर आ रहा है और दूसरी तरफ से आपका सलाइन वाटर आ रहा है। जब ये दोनों मिल रहे हैं तो जो सॉल्ट की रेंज है वो इन दोनों के बीच में वेरी करती रहती है। इस्चुरी के अंदर वेव एक्शन बहुत ही कम होता है, जैसे देखो आप यहाँ देख सकते हैं जो इस्चुरीज के अंदर वेव्स तो नहीं है, वेव्स तो यहीं तक आके रह जाएंगी, ठीक है ना, इस्चुरीज के अंदर तो नहीं पहुँच रही है ना वेव्स, वेव्स के थ्रू बस पानी मिल रहा है। इस्चुरी बहुत काम होती है, यहाँ पे वेव एक्शन नहीं होता। मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन है, मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन ऑब्वियसली बात है कि जब जहाँ पे दो तरह का पानी मिल रहा है तो न्यूट्रिएंट्स रिच वाला पार्ट हो गया ये, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होएंगे तो प्रोडक्टिविटी हाई रहती है। अब प्रोडक्टिविटी हाई रहती है इस वजह से पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है, हैवीली पॉपुलेटेड एरिया रहता है। अलग अलग तरह से इसको पुकार सकते हैं हम, इसकी शेप के बेस पे, बे, हार्बर, लगून, इनलेट्स, इसकी शेप के बेस पे इस्चुरीज को इन नामों से भी जाना जाता है। द बैंक ऑफ इस्चुरीज चैनल्स फॉर्म्स अ फेवरेबल लोकेशन, मतलब क्या कह रहा है, ये ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह मानी गई है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाई है, फिशिंग का कॉमर्स बहुत अच्छे से चल सकता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है आज के टाइम में लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाला जाने लगा है, इस वजह से ह्यूमन सेटलमेंट को भी खतरा हो रहा है और साथ साथ फिशिंग को भी यहाँ पे खतरा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो इस्चुरी है वो हाईली प्रोडक्टिव जोन है। अब देखो किस किस तरह से इस्चुरी बनती है, इस्चुरी फॉर्मेशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि लगून और बैकवाटर किसे कहा जाता है। जैसा अपन देखा कि जो इस्चुरी है उसी की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग लेक्स, बैकवाटर, बे, इसको बोला जाएगा।
थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आपकी बुक में बताया हुआ है कि कोस्टल लेक्स जब सी के साथ मिल रही हैं, कोस्टल लेक्स जब सी के साथ मिल रही हैं तो वो लगून या बैक वाटर बनाएगी, और रिवर जब सी के साथ मिल रही है तो वो क्या बनाएगी, इस्टुरी बनाएगी। अंडरस्टैंड? अब देखो इस्टुरी की फॉर्मेशन किस किस तरह से होती है, चार जियोमॉर्फिक कैटेगरीज के अंदर इसको बांटा हुआ है किस किस तरीके से इस्टुरी फॉर्म हो सकती है। अगर सी का लेवल राइज हो जाए तो वो आगे तक जा सकेगी नदी के साथ मिलके, साथ में सैंड और सैंड बार अगर मूवमेंट हो जाए, जैसे क्या हुआ ये आपका ओशियन था, ठीक है, यहाँ पे एक सैंड बार बन गया, यहाँ पे कुछ मिट्टी की एक ऐसा कुछ बैरियर सा बन गया। अब अगर ये मूव हो जाए, मान लो ये सैंड बार इस तरह से हो जाए, तो यहाँ से वो पूरा ओपन ओपननेस दिखेगी तो रिवर यहाँ से मिल सकती है, ठीक है, तो इस्टुरी बन गई एक तरह से। नेक्स्ट है ग्लेशियल प्रोसेसेस। ग्लेशियल भी क्या है, अलग अलग रास्ते निकाल देते हैं रिवर्स के लिए ताकि वो ओशन में मिल सके। देन है टेक्टोनिक प्रोसेस। टेक्टोनिक प्रोसेस क्या होता है, जब नीचे से कुछ प्लेट्स हट जाए, कुछ अंडर अर्थ मतलब धरती के नीचे से जब कोई प्लेट्स मूव कर जाए उस समय भी इनकी डायरेक्शन बदल सकती है, तब भी इस्टुरी बन सकती है। तो ये चार चार तरीकों से इस्टुरी बन सकती है, सी लेवल के राइज होने की वजह से, सैंड बार की मूवमेंट की वजह से, ग्लेशियल प्रोसेस की वजह से और टेक्टोनिक प्रोसेस की वजह से। अब देखो इस्टुरी के अंदर ऑलमोस्ट सभी तरह के टेरेस्ट्रियल, सभी तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और बटरफ्लाइज, बर्ड्स, कॉनिफेरस और डेसिडुअस ट्रीज, मतलब बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी इस्टुरीज के अंदर रहती है। वजह एक ही है, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या है, ना तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है और ना ही बिल्कुल फ्रेश वाटर है, हाईली न्यूट्रिएंट रिच वाटर है, इस वजह से यहाँ पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट और एनिमल का भी ये होम होता है, टेरेस्ट्रियल का भी और एक्वाटिक का भी। तो इन स्टेटमेंट्स के अंदर इनको ध्यान रखना कि यूं पूछा जाए आपसे कि सिर्फ टेरेस्ट्रियल रहते हैं वो भी गलत होगा और सिर्फ एक्वाटिक रहते हैं तो वो भी गलत होगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों ही रह सकते हैं। इंडिया के अंदर क्या कह रहा है ये कि 14 मेजर, 44 मीडियम और 162 माइनर रिवर ड्रेन्स हैं सी के अंदर, मतलब इतनी सारी इस्टुरीज इंडिया के अंदर है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इंडिया के लिए है कि इंडिया के अंदर जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पे ज़्यादा इस्टुरीज पाई जाती है, वेस्ट कोस्ट पे जो इस्टुरी पाई जाएंगी वो छोटी पाई जाएंगी, पाई तो जाएंगी लेकिन बहुत छोटी पाई जाएंगी कंपैरेटिवली टू ईस्ट कोस्ट। अब देखो इंडियन इस्टुरीज को किस किस चीज़ से खतरा है, किस किस कौन कौन से इश्यूज आते हैं इंडियन इस्टुरीन सिस्टम के साथ। एक तो वाटर फ्लो, वाटर फ्लो वेरी करता रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट जो है एक तरह से नहीं रहता, विंड की डायरेक्शन चेंज होती रहती है तो वाटर फ्लो भी चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट क्या है, पोल्यूशन और वाटर क्वालिटी। अब पानी के अंदर बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से इस वजह से पोल्यूशन और पानी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है वाटर पोल्यूशन में, इस वजह से जो इस्टुरीन इकोसिस्टम है वो थ्रेट में है, ठीक है। रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, अब जब हाईली टूरिज्म हो जाता है, जब टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आने लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे गंदगी भी बहुत रहेगी, वेजिटेशन को खतरा रहेगा, तो इससे इस्टुरीन इकोसिस्टम को खतरा सॉरी। अब देखो पोर्ट्स एंड शिपिंग, जितने ज़्यादा पोर्ट्स होंगे जितनी ज़्यादा शिपिंग होगी, तो अब ये एरिया कैसा है जहाँ पे पोर्ट्स को आसानी होती है अपने सामान, जहाँ पे शिप्स को आसानी होती है अपने सामान को उतारने में या चढ़ाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी का लेवल तो यहाँ पे होता नहीं है, तो पोर्ट्स जो है यहाँ पे इजीली बन सकते हैं लेकिन वो इस्टुरीन इकोसिस्टम को खतरा पैदा कर देते हैं। नेक्स्ट है लैंड यूज़। अब लैंड यूज़ क्या कर रहे हैं हम लोग, अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से जितने भी ये प्रोडक्टिव एरिया है इसको हम एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर बदलते जा रहे हैं, इस वजह से भी इस्टुरीज इकोसिस्टम के को खतरा आ रहा है। कमर्शियल फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, फिशिंग को इतने बड़े रेट पे किया जा रहा है कि यहाँ पे ओवर फिशिंग करने लग गए हैं लोग, कि फिशीज का जो मत्स्य पालन जो है वो बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, इस वजह से भी इस्टुरी इकोसिस्टम को खतरा है। और क्लाइमेट चेंज तो देखो है ही, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी एसिडिक रेन आएगी, एसिडिक रेन की वजह से पूरा वाटर पॉल्यूट हो जाता है तो इस्टुरी इकोसिस्टम को खतरा हो रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मैंग्रोव्स। देखो इस्टुरीज के अंदर इतना ही मोर देन सफिशियंट है, उसके अंदर आपको और भी बहुत सारे शब्दावली दी होगी लेकिन मोर देन सफिशियंट है जितना हमने किया है। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए इस्टुरीज होती क्या है, ठीक है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन वो हमने देखी, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएँ क्या है,
जो भी हमारे यहाँ पे इस्टुरीन है, फिर इंडियन इस्टुरीन कैसी है, इंडिया के अंदर इस्टुरीन की क्या क्या पोजीशन है। तो हमने क्या देखा कि ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा पाई जाती है, वेस्ट कोस्ट पे स्मॉल पाई जाती है। उसके बाद हमने क्या देखा कि इंडिया के अंदर थ्रेट किस किस वजह से है इस्टुरीन को। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इस्टुरीज के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है मैंग्रोव्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंग्रोव्स भी। मैंग्रोव्स क्या होता है, ये 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ के बीच पाए जाने वाले एक प्लांट हैबिटेट है। मैंग्रोव्स क्या है, 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ के बीच में पाए जाने वाले प्लांट हैबिटेट है। क्या है ये, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर ज़्यादा पाए जाएंगे। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये ट्रीज़ या बुशेज किस तरह की होती हैं, देखो जैसे पूरा पानी होगा, बीच में कोई आपका आइलैंड टाइप होगा, आइलैंड होएगा या कोई ऐसा उभरा हुआ भाग होगा पानी का, सॉरी लैंड का, जहाँ पे ये मैंग्रोव्स होंगे। क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी के अंदर रहती है, और मैंग्रोव्स के ट्रीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर में से अपने लिए अच्छा अच्छा पानी ले सकते हैं। ठीक है, देखो इसकी हाइएस्ट कैपेसिटी रहती है सॉल्ट और वाटर टॉलरेंस के लिए, बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर को वो टॉलरेट कर सकते हैं मैंग्रोव्स, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो इस तरह से होती हैं कि सॉल्टी वाटर में से भी अपने लिए फ्रेश वाटर को ये सक कर लेते हैं। अब मैंग्रोव्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक तो ये एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एवरग्रीन रहते हैं, इनका ये नहीं है कि ये पतझड़ का सीज़न है, ये एवरग्रीन ही रहते हैं। कहाँ पर पाए जाएंगे, किनारों पर पाए जाएंगे, टाइडल फ्लैट्स पे पाए जाते हैं, डेल्टास पे पाए जाते हैं, इस्टुरीज पे भी पाए जाते हैं, बेज क्रीक्स, बैरियर आइलैंड, मतलब वो कोई भी एरिया जहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा पानी हो और बीच में कोई भी लैंड का पार्ट हो, ठीक है, वहाँ पे क्या पाया जाएगा, मैंग्रोव्स पाए जाएंगे। जनरली इस रेंज में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ के बीच में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। बेस्ट लोकेशन क्या है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिल्ट रिवर अपने साथ ला रही है। सिल्ट क्या होता है, कीचड़ की फॉर्म में इसको मान सकते हो, सिल्ट अपने साथ बहुत बड़े बड़े पेबल्स ला रही है, कीचड़ ला रही है, रेत ला रही है, जो पानी के साथ मिलके एक मार्शी सा लैंड बना देते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैंग्रोव्स ज़्यादा होते हैं। इसकी जो फिजियोलॉजी एडेप्टेशन होती है वो बहुत हाई होती है सैलिनिटी स्ट्रेस के साथ। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो रूट्स होती हैं, जो इसका टाइप होता है, ट्रीज की टाइप इस तरह से है कि ये बहुत ज़्यादा सैलिनिटी स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकती हैं और एनारोबिक मड के अंदर आसानी से रह सकती है। अब देखो एनारोबिक क्यों होगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ की सॉइल के अंदर। अब पानी ज़्यादा है तो जो सॉइल के पोर्स हैं वो पानी से ही भर गए हैं और ऑक्सीजन बहुत कम होता है उन पोर्स के अंदर। मैंने पहले भी आपको एक टॉपिक के अंदर बताया था कि जब कभी भी सॉइल जो है बहुत ज़्यादा पानी में है तो सॉइल के पोर्स पानी से भर जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सेम कंसेप्ट मैंग्रोव्स के साथ है कि जब सॉइल पानी वाली है, बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ पे, तो वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन हो जाती है। लेकिन मैंग्रोव्स क्या है, वो बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर में भी रह सकते हैं और साथ में एनारोबिक मड में भी आसानी से रह सकते हैं, लेकिन इनको हाइयर सोलर रेडिएशन चाहिए, रेडिएशन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर सोलर रेडिएशन की कमी नहीं होती है, तो हाई सोलर रेडिएशन ये इजीली ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन की इनको ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि इनको फ्रेश वाटर एब्जॉर्ब करना होता है सलाइन वाटर से, सलाइन या ब्रैकिश वाटर से फ्रेश वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है। इनकी जो रूट्स होती है उसको बोला जाता है न्यूमेटोफोर्स, जो क्या करती हैं, एनारोबिक सॉइल कंडीशन से लड़ सकती हैं। किस तरह से लड़ती हैं, ये जैसे आपकी लैंड है तो आपको इनकी जड़ें ऊपर दिखेंगी, आपको धरती के ऊपर इनकी रूट्स दिखेंगी, और इसी रूट्स को नाम दिया जाता है न्यूमेटोफोर्स या फिर ब्लाइंड रूट्स। ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि सॉइल के अंदर तो पानी बहुत ज़्यादा है, अब उस ऑक्सीजन की कमी को ओवरकम करने के लिए ये क्या करेंगे, धरती के ऊपर अपनी जड़ों को ले आते हैं और वो रूट्स धरती के ऊपर आके फिर ऑक्सीजन को लेती हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये पानी है, ये पूरा ओशियन आपको दिख रहा है, और यहाँ पे ये कोई आइलैंड है, ठीक है, इस आइलैंड के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये है मैंग्रोव्स, ये है मैंग्रोव्स ट्री, और यहाँ पे देखो ये इसकी एडवेंचरस रूट्स होती है, ये एडवेंचरस रूट्स जिसको स्टिल्ट रूट्स भी बोला जाता है, इसकी स्टिल्ट रूट्स होती है। स्टिल्ट रूट्स का मतलब क्या होता है, वो रूट्स देखो आप ये देख रहे हो कि ब्रांचेस के अंदर से ये सब ब्रांचेस निकल रही हैं,
और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, टूटती नहीं है, ब्रांचेस के अंदर से सब ब्रांचेस निकलती है, और ये ब्रांचेस मेडिसिनल पर्पस के लिए भी बहुत यूज़ की जाती है। तो इस चीज़ को क्या बोला गया है, एडवेंचियस रूट्स या स्टिल्ट रूट्स। अब ये देखो, ये होते हैं न्यूमेटोपोर्स। मैंने जैसे आपको बताया कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो ये ऊपर आ जाती है, ये जड़ें हैं, ये रूट्स हैं इसकी, मैंग्रोव्स की। ये रूट्स ऊपर किस लिए आई हुई है, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। इनको बोला जाता है न्यूमेटोपोर्स, न्यूमेटोफोर्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हैवी वर्ड्स है ना, भूल जाते हैं हम लोग। अगर हम इसको एक बार इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लें, तो ये दिमाग में बस जाएंगे आपके। अब देखो आगे क्या है, इसके लेंटी सेल्स होते हैं। लेंटी सेल्स का क्या मतलब है, जैसे ये इसकी स्टेम है या इसके ये जो लीव्स है, इसके ऊपर ऐसे पोर्स बने हुए हैं। इसके ऊपर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो हम नेकेड आई से बहुत ज़्यादा नहीं दिखते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से ही दिख जाते हैं। अब देखो क्या होएगा, ये इनको बोला जाता है लेंटी सेल। लेंटी सेल का क्या काम होता है, एक्सेस सलाइन वाटर है वहाँ पे, पानी के अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब इस एक्सेस सलाइन वाटर की वजह से क्या होगा कि इनके ऊपर आपको ये नमक के कण दिखेंगे, बिल्कुल नमक के जो क्रिस्टल्स हैं ना, वो आपको दिखेंगी इनकी जो लीव्स है उनके ऊपर, स्टेम्स के ऊपर आपको बिल्कुल दिखेगा अपनी नेकेड आई से, कि जो सॉल्ट के, इनके अंदर सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है, जिसकी वजह से वो सॉल्ट को सिक्रेट करती रहती है, और इसकी जो लीव्स है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, थिक होती है, और सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी इसके पास होती है। मैंग्रोव्स एग्जिबिट वाइविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब ये होएगा कि ये जो सीड जर्मिनेट करते हैं ना, वो ट्री के अंदर ही कर देते हैं, मतलब अपने सीड को नीचे नहीं गिरने देंगे। नीचे गिरा तो क्या होगा, अब वो सीड है, अभी ट्री तो बना नहीं है, तो इतनी ज़्यादा टॉलरेशन तो उसकी होगी नहीं कि वो सलाइन वाटर के अंदर रह सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो नीचे नहीं गिरने देंगे, बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाएगा ट्री के अंदर ही। ठीक है, ये सारे शब्द जो है आपको समझ में आ जाने चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब देखो, इस स्टिल्ट रूट्स हमने देखी थी, स्टिल्ट रूट्स मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये है स्टिल्ट रूट्स। इसको बोला जाता है एडवेंचियस रूट्स या स्टिल्ट रूट, मतलब ब्रांचेस के अंदर से ब्रांचेस निकलती रहती हैं, इनको बोला जाता है स्टिल्ट रूट। अब देखो आगे, इंडिया के अंदर मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ हैं। वैसे तो बहुत सारी जगह पे मैंग्रोव्स है, लेकिन जैसे इस्टुरीज जो है वो ज़्यादा ईस्टर्न कोस्ट पे है, तो मैंने क्या बताया कि इस्टुरीज के अंदर भी मैंग्रोव्स हो सकते हैं, क्योंकि वो भी लैंड का, रिवर का और ओशन का मिक्सचर है, तो वहाँ पे भी मैंग्रोव्स हो सकते हैं। अब इस्टुरी ज़्यादा ईस्टर्न कोस्ट पे थी, तो मैंग्रोव्स भी ज़्यादा देखो आप ईस्टर्न कोस्ट पे है। लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट मैंग्रोव्स कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरबन के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद गुजरात के अंदर भी मैंग्रोव्स हैं, ये गोवा के अंदर भी मैंग्रोव्स हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर भी मैंग्रोव्स हैं, महानदी बेसिन पे भी मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, कावेरी डेल्टाइक रीजन पे भी पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार पे भी पाए जाते हैं, और ये रत्नागिरी के अंदर भी पाए जाते हैं। इनको याद रखिएगा, और इसका कनेक्शन देखिए, अब इसको डेफिनेशन से रिलेट करके देखो। अब ये देखो, हमने क्या देखा था, सारे जितने भी डेल्टाइक रीजन है, डेल्टास के ऊपर ये पाए जाएंगे। ठीक है, अब कहाँ पे, जहाँ ये बेस के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, लगूंस के साथ मिल रहे हैं, तो इन सभी जगह पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि जितने भी बेसिन्स हैं, कृष्णा गोदावरी का, महानदी का, ये जो डेल्टास हैं वहीं पर ही ये पाए जाते हैं। ये गंगा का डेल्टा हो गया, सुंदरबन डेल्टा जिसको बोला गया है, ये महानदी का हो गया, कृष्णा गोदावरी का हो गया, कावेरी का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, ये ओपन ओशन से यहाँ पे इंडियन ओशन है पूरा। ठीक है, अब गोवा के अंदर बीचेस ज़्यादा है, तो इन बीचेस या आइलैंड्स के ऊपर मैंग्रोव्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तमिलनाडु में भी बहुत ज़्यादा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। तमिलनाडु के अंदर एक गांव था जिसके अंदर 83,000 मैंग्रोव्स उगाए गए थे। जब भी वहाँ पे कभी भी फ्लडिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा एक्सेस में फ्लडिंग हुई थी एक बार, लेकिन वो गाँव बच गया था, क्योंकि उन्होंने 83,000 मैंग्रोव्स को उगाया हुआ था। ये क्या करते हैं, इसकी जो रूट्स होती है ना मैंग्रोव्स की, उसकी बहुत ज़्यादा पकड़ होती है पानी के ऊपर और कीचड़ के ऊपर, रेत के ऊपर, पानी को आगे जाने नहीं देते। तो पूरे तमिलनाडु के अंदर बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, लेकिन इस गांव को कुछ भी नहीं होता, जबकि वो बिल्कुल डेल्टा पे था, बिल्कुल डेल्टा पे था, वो बिल्कुल पानी के पास था, लेकिन मैंग्रोव्स की वजह से उस गाँव के अंदर कुछ भी नहीं होता। अब देखो रोल ऑफ मैंग्रोव्स, एक तो हमने देख लिया ये फ्लड को रोकता है, ठीक है, फ्लड को रोकेगा, सुनामी, हरिकेन से जितने भी आते हैं बड़े बड़े डिजास्टर्स जो हैं, बहुत बड़े डिजास्टर्स को जो मैंग्रोव्स हैं वो रोक लेंगे। ठीक है,
अब देखो मैंग्रोव्स के पास स्पेशल रूट्स होती है, जैसे प्रॉप रूट्स हो गया, न्यूमेटोफोर्स होएगा, ये क्या करेंगे पानी के फ्लो को इम्पीड करेंगे, यानी पानी के फ्लो को रोकेंगे, और डिपोजिशन है ना उसको बना के रखते हैं, पानी को सॉयल इरोजन नहीं होने देते, सॉयल को इरोड नहीं होने देते, डिपॉजिट रहने देते हैं। तो सॉयल इरोजन भी रोक लिया उसने, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन को भी वहीं पे इनहेंस कर दिया, आगे नहीं जाने दिया, साथ में जो न्यूमेटोफोर्स है वो क्या करती है पानी के फ्लो को रोक लेती है, यानी फ्लड को भी रोक लिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, वहाँ पे पानी को भी रोक लिया उसने और वहाँ पे उसने जो वहाँ पे सेडिमेंट्स है उसको भी रोक लिया, तो इस वजह से न्यूट्रिएंट साइकिलिंग चलती रहेगी, न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होंगे, तो मैंग्रोव्स जो है न्यूट्रिएंट साइकिल को भी इन्हेंस करती है, सॉइल इरोजन को बचाती है, फ्लड्स से बचाती है। ठीक है, कोस्टल लो लैंड को पानी से बचाती है, फ्लड से बचाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा, एविफोना और वाइल्ड लाइफ भी पाए जाते हैं। एविफोना का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पक्षी, मतलब बर्ड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है। एनवायरनमेंट को सेव रखता है, यहाँ का जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है ब्रीडिंग के लिए, मतलब जब भी मेटिंग होती है जितने भी एक्वाटिक एनिमल है वो जनरली मैंग्रोव्स के आसपास आके ब्रीड करते हैं। बहुत सारी फिशेज भी यहाँ पे पाई जाती है। इट प्रोटेक्ट्स कोस्टल इनलैंड फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। हमने ऊपर देख लिया कि जैसे हरिकेन है, सुनामी है, फ्लड्स है, ये क्या है, एडवर्स क्लाइमेटिक एलिमेंट्स ही है, तो इन सभी को मैंग्रोव्स रोकता है। मेडिसिनल प्लांट्स भी इसके अंदर होते हैं, मेडिसिनल पर्पज के लिए भी यूज होता है, और ये वुड, फायरवुड, इन सब की चीज़ों के लिए भी काम आता है। लोकल पीपल के लिए एडिबल प्लांट की तरह भी मैंग्रोव्स जो है अपना काम करता है। ठीक है, तो हमने मैंग्रोव्स को देख लिया और एस्टुरीज को देख लिया। मैंग्रोव्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है कि मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या होते हैं मैंग्रोव्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हमने क्या क्या पढ़े हैं। एक तो न्यूमेटोफोर्स पढ़ा है, न्यूमेटोफोर्स क्या था, न्यूमेटोफोर्स था ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस। एक हमने वाइविपैरिटी पढ़ा है, वाइविपैरिटी क्या था कि सीड को जर्मिनेट ट्री के अंदर ही कर देते हैं, नीचे वो बीज जो है धरती के ऊपर नहीं गिरेगा, उससे पहले ही वो ट्री के अंदर ही जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, एक हमने इसके अंदर लेंटिसेल पढ़ा है, लेंटिसेल क्या होता है, वो इनके ऊपर पोर्स होंगे जो सॉल्ट को बाहर निकालते रहते हैं, मतलब इसके जो बार्क होती है या जो एपिडर्मिस होता है ट्री का, वो इस तरह से होता है कि इसके ऊपर सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होंगी और वो सॉल्ट को सिक्रेट करती रहती है, और इसके जो पत्तियां होती है काफ़ी थिक होती है। ठीक है, ब्लाइंड रूट्स आपने देख लिया, न्यूमेटोफोर्स को ही बोला जाता है। और एक हमने स्टिल्ट रूट्स पढ़ा है, स्टिल्ट रूट्स पढ़ा है, स्टिल्ट रूट्स क्या थे, यही थे ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस, और न्यूमेटोफोर्स सॉरी क्या था कि जो धरती के ऊपर जड़े आई हुई हैं, ठीक है, जो लैंड के ऊपर जड़े आए हुए हैं ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। और ये सारे हमने मैंग्रोव के रोल पढ़े, कहाँ कहाँ मैंग्रोव ज़्यादा पाए जाते हैं हमने वो देखा। तो हिस्ट्री और मैंग्रोव्स का ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में इसका जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा कोरल रीफ रह जाएगा, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई सर्च करेगा तो मेरे वाले वीडियोज़ ऊपर आ जाएंगी और दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सकेगा। थैंक यू।